नमस्कार बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति बल्लारपुर की ओर से गजानन महाराज संजीवनी समाधि उत्सव ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर भव्य पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पालकी शोभा यात्रा में गणगण गणाधिपति की गुंज सुनाई दी। श्री गजानन महाराज की भव्य पालकी शोभा यात्रा की शुरुआत ऋषि पंचमी के दिन सुभाषवाड़ से श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान से हुई। सर्वप्रथम श्री संत गजानन महाराज का मंगल अभिषेक सुबह 6 बजे हुआ। इस समय विधिवत पूजा भी की गई। श्री की पालकी की विधिवत पूजा और आरती बल्लारपुर के पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल, सीताराम सोमानी और रोहित भाटिया के हाथों की गई। इसके उपरांत श्री की मुखोटा पालकी की परिक्रमा मुख्य मार्ग से निकाली गई। मार्गक्रमण करते हुए श्री रामवार्ड सब्जी मंडी श्री नंदगिरी वार के घर के सामने से गांधी चौक से जोड़ हनुमान माता मंदिर से गांधी प्रतिमा के सामने से कालरी मार्ग होकर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान में समापन हुआ। पालकी शोभा यात्रा में सम्मिलित श्री गजानन महाराज भक्त महिला पुरुषों ने गणगण गणाधिपति का जयघोष भी किया। आकर्षक झांकी और एक सरी के परिधान में सम्मिलित भक्त गणों का उत्साह देखने बनता था। शोभा यात्रा में ढोल ताशे एवं भजनों के स्वरों ने पूरा परिसर भक्तिमय कर दिया। जगह जगह पर श्री की पूजा की गई। भक्तों की ओर से शीतल पेयजल, लस्सी, चाय आदि की व्यवस्था की गई थी। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान में पालकी का समापन होने के बाद सामूहिक आरती कर महाप्रसाद का वितरण हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। इस उत्सव के लिए नामदेव शास्त्रकार विकास राजुरकर, हीरालाल सिंह, सतीश गुगलवार, आनंद भास्करवार, सुनील मंगरुलकर, प्रभाकर सुंचवार, देवेंद्र वाडकर, सचिन आत्राम, अजय गुप्ता, विनायक सालवे, राकेश बुरडकर, कुलदीप सुंचवार का सहयोग प्राप्त हुआ। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी के दिन श्री संत गजानन महाराज समिति द्वारा गजानन पालकी का आयोजन किया गया। ऋषि पंचमी के दिन ये पालकी जो को नाला से होते हुए पंचमुखी हनुमान से निकलते हुए बस्ती विभाग से वापस क्या बोलते आते हुए फिर से पंचमुखी हनुमान मंदिर में इसका समापन किया गया। ये गजानन पालकी का आयोजन पहली बार बल्लारपुर शहर में किया गया। इस तरीके का उत्कृष्ट ऐसा इसको प्रतिसाद मिला है। बहुत भक्तगणों ने इसका लाभ लिया और हर साल इस तरीके की पालकी का आयोजन किया जाएगा ऐसा सेवा समिति के द्वारा सूचित किया गया। आज दिनांक 20 सितंबर रोजी ऋषि पंचमी निमित्त श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति बल्लारपुर तर्फे पंचमुखी हनुमान मंदिर जोकूनाला इथून श्री गजानन महाराजी की पालखी जे पहिल्यांदा आयोजन करण्यात आले। ती पालखी पंचमुखी हनुमान मंदिर ते गांधी पुतळ्यापर्यंत व गांधी पुतळ्या ते परत पंचमुखी हनुमान मंदिरपर्यंत जवळपास 2 ते 2.5 किलोमीटर पर्यंत असे गजानन भक्तासोबत काढण्यात आली। व त्या पालखीमध्ये असं बल्लारपूरमध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारे गजानन महाराजची पालखी काढण्यात आली आणि दरवर्षी पंचमुखी हनुमान मंदिर येथून श्री संत गजानन महाराज सेवा समिती बल्लारपूरतर्फे ही पालखी काढण्यात येणार। बीसीएन न्यूज के लिए बल्लारपुर से सुनील ताड़ी की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस द्वारा आज दी जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 21 सितंबर की सुबह के आसपास सिंगन घाट के मनसे चौक पर आरोपी एमटी तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 4,44,980 रुपए का माल जब्त किया। अपराध शाखा वर्धा की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। डांगरी वार्ड निवासी आरोपी सचिन रामकृष्णा मिसारकर एक सफेद रंग के 4 पहिया वाहन क्रमांक MH13AC9133 नागपुर से हिंगनघाट MD मैफेट्रॉन मादक पदार्थ शहर में बिक्री के लिए लाया जा रहा था। मनसे चौक हिंगनघाट में पुलिस द्वारा जाल बिछाया गया और उसकी तलाशी ली गई और उसके कब्जे की कार की तलाशी ली गई। इस वाहन में एक प्लास्टिक डिब्बे में 7 ग्राम 870 मिलीग्राम वजन की कीमत 31,480 रुपए MD मैफेट्रॉन पाउडर के साथ
कार, एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और नकदी रुपए बरामद किए गए। डीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सागर कवड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़, पुलिस उप निरीक्षक राम खोद, पुलिस अधिकारी हामिद शेख, सचिन इंगोले, चंद्रकांत बुरंगे, श्रीकांत खड़से, प्रमोद पिसे, रामकिशन इप्पर, मनीष कांवले, नितिन इटकरे, प्रदीप वाघ, पवन पन्नासे और अखिल इंगले पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ के निर्देशानुसार सभी नियुक्तियां स्थानीय अपराध शाखा वर्धा द्वारा की गई है। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के पटवारी बीते 20 दिन से हड़ताल पर हैं। इससे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें, बटवारा, नामांतरण, चुनावी कार्य प्रोटोकॉल, सभी तहसीलों के किसान एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। आम नागरिक एवं किसान कन कामों को लेकर तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष निर्भय सिंह ने बताया कि हड़ताल को जारी रखते हुए सोमवार को पटवारियों ने धरना स्थल तहसील परिसर हनुमान मंदिर से मां षष्ठी माता मंदिर कपुर्दा जो कि नगर से 10 किलोमीटर पैदल चलकर चुनरी यात्रा निकाली। भजनों और मांगों का समागम करते हुए साथ में यात्रा धरना स्थल से प्रारंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के मुख्य चौराहे से होती हुई माता षष्ठी मंदिर कपुर्दा पहुंची। यात्रा में महिला पुरुष सभी पटवारी हाथों में चुनरी थामे और जय माता दी के उद्घोष के साथ चल रहे थे। पटवारियों ने मंदिर पर पहुंचकर मां षष्ठी को चुनरी अर्पित कर मां प्रशासन के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। पटवारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार 2800 ग्रेड पे वेतन की हमारी 25 साल पुरानी मांग को जब तक पूरा नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पटवारी प्रीति सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 19,000 पटवारियों के साथ जिले के समस्त पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हर वर्ग की मांग मंजूर करी है लेकिन पटवारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2800 ग्रेड पे वेतन की हमारी मांग 25 साल पुरानी है। अपनी मांग को मनवाने के लिए पटवारी सुंदरकांड पाठ, तिरंगा यात्रा सहित अनेक तरह के प्रयास कर चुके हैं फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में शासन को निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सनावत के सम्मेलन में पटवारियों की मांग को न्यायोचित बता चुके हैं। इस अवसर पर नीरज वर्मा, मुकेश सिसोदिया, निशा, मदन उइके, शिवानी विश्वकर्मा, धीरज इवनाती आदि उपस्थित रहे। हमारी मांग मुख्यमंत्री पटवारी अधिवेशन संबंध में घोषणा किया था और मान लिए थे कि हम 2800 वेतन मान देंगे लेकिन आज 18 साल के लगभग हो चुके हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके बीच में हमने 2-3 बार हड़ताल भी कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारी मांग पर सीएम द्वारा, शासन द्वारा कोई कोनी सुनवाई नहीं की गई। इसके बीच में राजस्व मंत्री, पंचायत मंत्री, अन्य लोगों से संपर्क किए लेकिन आश्वासन देते हैं, कहते हैं हड़ताल समाप्त करें उसके बाद सुनवाई करें। ऐसा हम लोगों ने 2-3 बार कर चुके हैं हड़ताल समाप्त, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं करने के कारण अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे और इसके बावजूद भी अगर नहीं सुना तो हम उग्र आंदोलन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल जारी करने को तैयार हैं सभी। बीसीएन न्यूज के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।